साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बात समझना बहुत आवश्यक है। देश इस समय जिस कालखंड से गुजर रहा है वो तेज विकास के लिए बहुत अहम है। यह अमृतकाल ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है, ये धरती की सच्चाई है। 140 करोड़ देशवासियों की दिलों की धड़कन है। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने
1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्यवाही से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठे आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें सामर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं,
बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं।